जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हुई है, क्या मामला है, कितनी मौत हो चुकी है और कितने लोग अभी गंभीर हालत में? सबसे पहले मैं थोड़ा संशोधन करूंगा, शराब पीने से मौत हुई है, अभी किसी भी तरह से स्थापित नहीं हुआ है कि शराब वो जहरीली है, क्योंकि जो पीएम करता चिकित्सक हैं, एफएसएल टीम है, अन्य जो अधिकारी थे उन सबसे चर्चा के बाद अभी निष्कर्ष नहीं निकला है, अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। तो पर कुछ लोगों ने शराब पी थी, ये सही है, और शराब उन्होंने कहाँ से क्रय की थी, किस डिस्टिलरी की थी, क्या लॉट था, इसकी हम लोग अभी जांच चल रही है और इस संबंध में जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया गया है। तो अभी तक ये जो तथ्य है कि 10 लोग उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने जो शराब पी है और कुछ जो भी खाना खाया होगा, तो उस सब की फाइनल पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्थापित होगा कि इसका एग्जैक्ट कारण क्या है। तो कितने लोगों कुछ लोगों मामला दर्ज किया है, कुछ को हिरासत में लिया है या अभी थाना बागचीनी में जो प्रथम दृष्टया जो लोग इलाजरत थे उनके कहने के आधार पर, उनसे चर्चा के आधार पर ये पाया, अभी 4 लोगों के खिलाफ 4 संदिग्ध लोगों को माना गया है कि इन लोगों ने शराब का विक्रय किया था। जो भी जो मृतक लोग हैं या जो विक्टिम घायल हैं जो इलाजरत हैं उन लोगों ने इन लोगों से शराब खरीदी थी, ये अभी प्रथम दृष्टया आया है। अभी तो एग्जैक्ट कोई अभी हिरासत में नहीं, पर तलाश जारी है इन लोगों की, प्लस अन्य बिंदुओं पर। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस लॉट की कहीं और जगह बिक्री न हुई हो, प्राथमिकता सबसे ज़्यादा ये है कि जो अभी हैं इलाजरत उनको बेस्ट इलाज मिल जाए, इस संबंध में जिला प्रशासन से, कमिश्नर साहब से, हेल्थ डिपार्टमेंट से समन्वय किया गया है। सबसे प्राथमिकता शासन की भी कि उनको इलाज अच्छा मिले जिससे वो बच सकें, दूसरा प्राथमिकता कि इस लॉट की कहीं और अगर बिक्री हुई हो उसको एकदम रोका जाए, थर्ड पोस्ट पे है इन सब जो भी संदिग्ध लोग हैं इनको हम गिरफ्तार करना।